अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चोलिस्तान जी प्रेली 2022 का फाइनल रिजल्ट हमारे पास मौसूल हो चुका है। ये फाइनल रिजल्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डी कैटेगरी की, तो प्रिपेयर्ड डी कैटेगरी में जफर ने 4 घंटे 41 मिनट 30 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। सी कैटेगरी में हमाल ने 4 घंटे 50 मिनट और 50 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल करके सी कैटेगरी जीत ली। बी कैटेगरी में असद ने 4 घंटे 28 मिनट और 26 सेकंड के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। ए कैटेगरी के 3 रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें तीसरे नंबर पर रहे हैं चौधरी आसिफ जिन्होंने 4 घंटे 15 मिनट 56 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे हैं, उन्होंने 4 घंटे 11 मिनट और 13 सेकंड के साथ अपना ट्रैक मुकम्मल किया है। जबकि पहले नंबर पर रहे हैं मीर जाफर मक्सी जिन्होंने 461 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे 10 मिनट और 51 सेकंड में तय करके चोलिस्तान जीप रैली 2022 जीत ली है। नाज़रीन, टीम एशिया के ज़ैर महमूद चौधरी ने ख़राब गाड़ी के बावजूद फिनिश लाइन क्रॉस की, तहाँ वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। जबकि इस तरह हमने देखा है कि प्रिपेयर्ड कैटेगरी राउंड 1 में सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये रेस हार गए थे। इंशाल्लाह हम स्टॉक कैटेगरी के मुकम्मल रिजल्ट भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।